हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। हाई, उल्टा हो गया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और ये आपकी लाइफ में किसी भी सर्कल से बिलोंग कर सकती है, एक्स या नेक्स्ट, फ्रेंड्स या फैमिली, कोलीग्स या सिबलिंग्स, कोई भी। तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से आपको लगे कि हाँ भाई, ये मैसेज मेरी लाइफ से मैच कर रहा है एंड दिस इज समथिंग नॉट रेजोनेटिंग। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज मैं अपोलोजाइज करती हूँ, मैं बहुत सारे कमेंट्स को चेक नहीं कर सकी, बिकॉज आज बहुत मसरूफियत रही है और काम पे भी बहुत लोड था, बहुत ज़्यादा मसरूफ रह रहा था दिन, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि मसरूफियत है, ज़िंदगी में काम है और कंस्ट्रक्टिव काम है। फजूल की गॉसिप और इधर उधर की लफाजियों से इंसान बचता है, और आप लोगों का साथ है। सबसे खूबसूरत एक कार्ड फड़क के आ गया है, पेज ऑफ कप्स। चले जी, माफ़ी के लिए तो कोई वाकई कनेक्ट करना चाह रहा है। वाटर साइंस की एनर्जी स्टार्ट हो रही है आपकी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई माफ़ी मांगना चाह रहा है। कौन है ये? विद द पेज ऑफ कप्स, किसी को अपोलोजेटिक फील हो रहा है, कोई रिग्रेट में है, कोई बहुत ज़्यादा सॉरी है। विद द पेज ऑफ कप्स, यू नो इट्स अ कार्ड ऑफ ऑफर एज वेल, लेकिन ये बहुत शर्मसारी का कार्ड होता है। ठीक है, देखते हैं हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं जिनके शायद वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि आप इनसे अपने रास्ते बदल लेंगे। बिल्कुल क्लियर। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स जो भी है, बहुत ही फादर फिगर, बहुत ही डैडी कार्ड और बहुत ही मटीरियलिस्टिक लोडेड पर्सन। किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको नहीं है, लेकिन आपके उसकी लाइफ में ना होने से उनसे बड़ा गरीब कोई और नहीं है। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जिसको आपने उसके बुरे टाइम में बड़ा सहारा दिया, यानी आपने उसको उसकी तन्हाई से निकाला। जब वो बहुत ही मुश्किल वक्त में था तो आपने उसको निकाला, और अगर आपका साथ उसकी लाइफ में ना हो तो काफ़ी हद तक वो अपनी ज़िंदगी के मसलों को हल नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक कि आप उसकी एक शील्ड बने हुए, इट्स नॉट लाइक कि आप उसकी कोई एक प्रोटेक्टिंग रूफ बने हुए हैं, दीवार बने हुए हैं, लेकिन ये कि आपका साथ रहता है तो ये पर्सन बहुत से महाज पे लड़ाई कर पाता है। अभी ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेलोड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा है, खींचा तानी, तंस, तीरो तार, दबड़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है उसको बहुत बड़ी एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा पज़ल अपनी लाइफ में मिस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कौन से आपकी एरिया के लोग हैं? ये एरिया से मुराद एरिया ऑफ लाइफ के लोग हैं, ये आप देख सकते हैं। बट जो भी है उसका इतना मूव भी नहीं है कि वो माफ़ी मांगे, बिकॉज गलती शायद काफ़ी बड़ी है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप अपने थ्रोन पे भी काफ़ी फिट एंड बैठे हुए, जैसे ये बंदा बैठा हुआ है, और आप किसी प्राउड में, किसी प्राइड में या किसी तकबर, घमंड और भरम में नहीं है। इट्स जस्ट लाइक के यू नो दैट वॉट यू डिड वॉज करेक्ट। ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा, इनको समझ में भी नहीं आ पा रही, ये जो भी एनर्जी है इसको समझ नहीं आ पा रही कि ये आइस ब्रेकिंग या आपसे कनेक्ट करें तो कैसे, आपके साथ माफ़ी मांगे तो कैसे मांगे। लेकिन फॉर श्योर किसी को ज़रूरत पड़ रही है आपकी, और आपका साइलेंट मोड होना, आपका खामोश हो जाना, आपका बिल्कुल पिक्चर से गायब हो जाना काफ़ी परेशान कर रहा है। और जो सबसे बड़ी, शायद आपने किसी का जाके इनके लिए गरेबान ना पकड़ा हो, शायद आपने किसी को ठड्डे बुड्ढे ना मारे हो, शायद आपने किसी का मुंह ना नोचा हो इनके लिए, लेकिन आप ऐसे थे, ऐसे हैं इनकी लाइफ में, या ऐसे थे इनकी लाइफ में कि फिर इनके खिलाफ़ जितने लोग होते थे उनका मुँह नहीं होता था। कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग किसी की शील्ड बन जाते हैं, कुछ लोग किसी का गार्ड बन जाते हैं, तो कुछ ऐसा लग रहा है। और जो भी पर्सन है उसको अभी फाइनेंशियल ट्रबल अभी काफ़ी हो रही है, जबकि काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, लेकिन इवन देन वो एक कमी, और वो कमी किस चीज़ की? वो जज्बे की कमी, वो मोटिवेशन की कमी जो आपसे उनको मिलता था। फैमिली काफ़ी इस पर ड्रामा क्रिएट कर रही है इस एनर्जी के लिए,
और जो भी कनेक्ट करना चाह रहा है, या तो आप उसके काउंसलिंग सेशन करते थे उसके पास, यानी ये होना था कुछ होता है कि कोई भी नहीं है, कम से कम वो तो है मेरी ज़िंदगी में, इस तरह की कोई एनर्जी आपको मिस कर रही है या कनेक्ट करना चाह रही है आपसे, ठीक है। लेट सी हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, कि कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सेवन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड सिक्स ऑफ कप्स। आपका बहुत पुराना साथ है, इनफैक्ट बचपन का साथ है विद द सिक्स ऑफ कप्स, जो भी है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अच्छा, इनका एक और है कि इनको हमेशा आपको लेकर कुछ कन्फ्यूजन रही है। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं, दो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, कि किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में दो लोगों का बड़ा सिरा है। लेकिन ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हुई, क्योंकि इनकी और बिल्डअप एक सोच ये थी कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस लोगों की फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इनकी जेलेसी जो है वो इन ऑप्शंस के ऊपर थोड़ी सी हावी हो रही है। यानी इनको ऐसा लगता है कि जैसे तवज्जो इनको मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी इनको मिलनी चाहिए। ये हैं बहुत जेन्युइन, आई मीन विद दिस किंग ऑफ कार्ड्स, अगर मैं ये आपके दो पार्टनर्स या जो दो मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में है, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है उसको वो जो एक जेन्युइन रिलेशन का एलिमेंट अपने सराउंडिंग में नज़र आना चाहिए वो नहीं मिलता, वो आप में मिलता है। ये उस पर्सन के लिए आप एक मैस्कुलिन एनर्जी रखते हैं, नो मैटर व्हाट, आप फीमेल हो या आप मेल हो, मेल हो तो मैस्कुलिन एनर्जी लाजमी है, और अगर आप फीमेल हैं तो कुछ फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो कि बड़ी प्रोटेक्टिंग एनर्जी होती है, बड़ी कम्फर्ट देने वाली एनर्जी होती है। तो ये अगर एनर्जी आपके अंदर है तो वेल एंड गुड। और ये जो कन्फ्यूजन इस पर्सन को थी, इस एनर्जी को जो थी, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, इसको इसी बात की अपॉलॉजी और इसी बात का रिग्रेट है कि एक मिसकंसेप्शन डेवलप हुआ आपको लेकर। इनका कनेक्ट होना ये भी है कि बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं विद दिस सेवन ऑफ कप्स। उनका एक एल्यूजन या जो एक फॉग है, जो धुंधला धुंधला सब सब कुछ ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, वो भी हट रहा है, बिकॉज दे आर वैल्यूइंग। एक पुश है, और पुश ये है कि अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सोची जा रही। ये खुद एक नेगेटिव माइंडसेट में हैं, और उस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वो नेगेटिव माइंडसेट आपके ऊपर भी इम्पोज कर रहे हैं, और वो इम्पोजिशन आपको शायद नहीं पसंद। आप शायद उस माइंडसेट से और उस नेगेटिव माइंडसेट से, उस नेगेटिव एनर्जी के जो है ना वाइब्रेशन से निकल चुके हैं, तो आपके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन फिर इनको ये फील आ रहा है कि फिर कैसे भूल गए, इतना अरसे का साथ, इतना पुराना साथ, बचपन का साथ कैसे भूल गए, अच्छाइयाँ क्यों नहीं याद हैं, बुराइयाँ ही क्यों याद हैं, इस तरह की चीज़ें जो ना आपके पास एनर्जी जो है वो आ रही होगी। दूसरा ये कि ये कनेक्ट, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, वाई पे तो मैं अभी नहीं आई हूँ, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस में अगर आपने अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लिया है, तो ये बंदा या ये बंदी जो भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट टू बी वन ऑफ दी ऑप्शंस, कि मैं किसी तरीके से लाइफ में इनकी रहूं। क्यों? क्योंकि मेरा राइट है, क्योंकि मैं बचपन से इनका साथ हूं, मेरा इनका साथ बचपन का है, और इससे ज़्यादा जेन्युइन कोई है नहीं, और मैं भी इससे ज़्यादा जेन्युइन नहीं हूं। तो फिर अगर ये सब कुछ है, तो फिर आप इस कन्फ्यूजन में क्यों हैं, मतलब आप नहीं वो एनर्जी। तो ये चीज़, तमाम चीज़ें, फैक्ट जो हैं वो अपने फेवर के फ़िल्टर कर लिए कि मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से ये, और आपकी तरफ से चीज़ को नहीं देखा। तो अब आप बेहतर जान सकते हैं किस तरह से है। विद द टू ऑफ सोर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि कन्फ्यूज ये खुद भी हैं। इनकी ये एक, मतलब मैं जब बहुत स्ट्रांग, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये जो एनर्जी है ये एक बाइपोलर पर्सनालिटी है। बाइपोलर पर्सनालिटी के मुतालिक आप गूगल करके देख सकते हैं, पल में माशा पल में तोला, ठीक है। अब हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट यू तो हो गया, अब देखते हैं वाई डू दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। फोर ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, खामोशी की मार मारी जा रही है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। एक बात तो मैं आपको बिल्कुल फॉर श्योर और बिल्कुल फॉर 100% क्लियर बता दूं, ये पर्सन फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, they don't have any financial constraint in their life, ठीक है। मतलब मैं नहीं, ये नहीं कह रही कि कोई करोड़पति है, लेकिन ज्यादतियों वाली जो है वो खर्ची हो सकती है, कंजूसी या कस्मा पुरसी तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब
वांट्स वाले पर्सन है, सिर्फ नीड्स वाले पर्सन नहीं, जो भी एनर्जी है, ठीक है, आपकी एक चुप इनको मार रही है, चुप, बिल्कुल चुप में आपको इनको मार रही है। आप किसी भी तौर पर इवन बीमार भी हैं, ये लोग जो भी हैं, ये बाइपोलर डिसऑर्डर होने से साथ एक मेंटल सिकनेस भी है, कोई मखसूस एडिक्शन हो सकती है, अपनी ही मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट ना करना कि मैं नफ्सियाती हूँ, ये वाली कंडीशन है इनकी। बिकॉज यहाँ फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि आप इनके साथ लाख बकवास कर लें, लाख बकवास कर लें, आखिर में ये अपनी ही एक बकवास लेकर खड़े हो जाते हैं। यानी कि आप बोलें कि सूरज सीन से शुरू होता है तो बोलेंगे नहीं, सूरज तो से शुरू होता है, मतलब इस तरह की बेतुकी सी बात करना, बात को बिला वजह में घुमाकर अपने आप को विक्टिम बनाना, ये इनकी ख़ास क्वालिटी। अब मसला ये हो रहा है कि आपने कर ली है चुपकी इख्तियार और आपकी चुपकी से हो रहे हैं इनके चुनचुने, कीड़े लग रहे हैं। सॉरी, बहुत माजरत, मैं अम्मा हूँ ना, तो मेरे माँ होने की वजह से मेरे मुँह से कुछ अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। विद दिस जजमेंट कार्ड ये चीज़ इनकी लाइफ में होनी थी, ये चुप ना इन्होंने एक चपेड़ पड़ के इनके मुंह पे पड़नी थी, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। ये अपनी ही की हुई हरकतों का अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझना, अपने आप को बड़ा मास्टर माइंड समझना, ये चीज़ें चटपट हो गई। आपने इनको चारों खाने चित किया, अब इनको हो रहा है गुस्सा विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, बट दे कैनॉट डू एनी थिंग, दे कॉन्ट डू एनी थिंग, कुछ नहीं कर सकते बिकॉज क्यों इनको कनेक्ट करना है, इनको ये शो करना है कि नाउ दे आर डूइंग एवरीथिंग, यू नो दे आर इमिटेटिंग ऑल्सो, ये हर वो चीज़ कर रहे हैं जो आप करते हैं, बिल्कुल क्लियरली विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रही है। यानी अपने दिमाग से तो कुछ चलना ही नहीं है, आपने कहा मुझे लाल पहनना है तो नहीं, मुझे भी लाल पहनना है, आपने कहा मुझे खाना खाना नहीं, मुझे भी खाना ही खाना, चाहे नासों से क्यों ना खाना निकल रहा हो, मतलब इस तरह की इमिटेशन। अब ये है कि आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए, आपको लोग आजकल शायद अप्रिशिएट कर रहे हो और इनसे आपका कट ऑफ हुआ हो, लेकिन आप लोग म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, ये चीज़ इनको काट रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है, और ये चीज़ इनके साथ होनी थी, ये कार्मिक लेसन है इनका, ये इनको मिलना था, और ये जब इनको मिला है तो इनको रियलाइज़ हुआ है इन्होंने हरकत क्या की है, ठीक है। तो हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो एनर्जी है ना इमिटेशन की, देखिए मैंने अभी बात की थी, इनको आपको कॉपी करना बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज दे थिंक दैट वॉट यू डू दैट मेक्स बिकम्स अ ट्रेंड। और ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी ब्रांड की जो है वो क्लोदिंग के एम्बेसडर हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दैट वॉट यू कैरी वो ट्रेंड बन जाता है, और लोग आपको एक सिंपल ड्रेस कोड में भी अप्रिशिएट करते हैं, और जब अगर आप बहुत ही फैंसी ड्रेसिंग में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा। आप एक बड़ी इंडिपेंडेंट सोल हैं और इस इंडिपेंडेंट सोल में आप बड़े फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, इंडिपेंडेंटली अर्न करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड यू कीप एवरीबडी हैप्पी अराउंड। जो भी आपके साथ है वो बहुत खुश है, जो भी आपके साथ है वो ग्रो करता है, और अब ये चीज़ थोड़ी सी डिटैच हो रही है। तो वाई हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, बिकॉज दे नो आपकी वैल्यू क्या है, दे नो इट वेरी वेल, और मुझे एक लाइफ का चार्म है, स्पार्क है, खुशी है, जॉय है, एडवेंचर है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड दे नो कि आपके अलावा ये चीज़ कोई इनकी लाइफ में नहीं ला सकता, बिकॉज यू प्रोटेक्ट देम, यू मेक देम लिव, यू पुश देम, यू मोटिवेट देम दैट दिस इज़ लाइफ, दिस यू शुड डू, गोल सेटिंग, यू नो काफ़ी मोटिवेट करते हैं आप। विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स यूनियन में आना चाहते हैं आपसे, और विद द एम्परर एक लीड पोजिशन जो आप लेकर चल रहे हैं, ईगो जो है ना, ईगो इनको रोले लगा देगी, और ईगो इनको रोले लगा रही है, तो रोले लगने दें, अगर अपनी अना ही इनको इतनी पसंद है तो भाड़ में जाएंगे, ठीक है। तो हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, लेट सी, एक सोशल लेवल पे चेक करते हैं वाई दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई डू दे वॉन्ट टू कनेक्ट। बैड हेल्थ, अभी मैंने कहा था कोई बीमार भी है, वेल्दी मैन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैरिज, एक यानी एक फ्रेज में अगर स्टोरी नरेट की जाए, इनकी सारी चीजें ठीक हैं, ठीक है, सब कुछ इनकी लाइफ में ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है। Happily married but no happiness. Extraordinary income but don't know, बरकत नहीं है, अनएक्सपेक्टेड पैसा आता है और पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है।
वेल्दी मैन, इनकी लाइफ में या तो ख़ुद ये एक वेल्दी पर्सन है या आप इनकी लाइफ में एक ऐसा चार्म प्ले करते हैं कि इनको अपनी वेल्थ को यूटिलाइज करना आता है फिर, और वेल्थ अनएक्सपेक्टेड इनकम इन टर्म्स ऑफ यू नो के पैसे आ गए कहीं से, तो उसको ज़ाया करना है या उसको इन्वेस्ट, यानी खर्च करने में और इन्वेस्ट करने में फ़र्क होता है। शायद आप इनको सेंस दिखते थे कि खर्चा करना और इन्वेस्ट करना क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होती है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, इन्वेस्ट यू नो स्पेंडिंग राइट अमाउंट ऑन द राइट परचेज, इस तरह की कुछ सेंसिबिलिटी है। बट ओवरऑल ये अपनी किसी का, या तो ये अपनी फैमिली में किसी का, किसी की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का ख्याल रख रहे हैं, या ये ख़ुद एक ऐसी बैड हेल्थ में गुजर रहे हैं, क्योंकि इंसान जब अपने बैड हेल्थ में होता है, चाहे फ्लू ही क्यों ना हो, तो वो एक अननेसेसरी से डिप्रेशन में चला जाता है, और उस डिप्रेशन में उसको फील होता है कि मेरे पास इतने पैसे का और इतने सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, जब मेरी ये तमाम चीज़ें मेरी हेल्थ के लिए काम नहीं आ सकती, तो वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ बींग वेल्दी, यू नो। तो कुछ इस तरह का है। और वेल्दी होते हुए जब एक अच्छा टाइम था, जब पैसा भरमार आ रही थी, तब मैंने कदर नहीं की, क्यों, जबकि मेरी लाइफ में हर चीज़ अच्छी इसकी विजुलाइजेशन में हो रही थी, जब आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखा जाता था, तब कंसिडर नहीं किया, तब सब कुछ आ रहा था, सब कुछ उसमें बहाव में बह गया, एंड अब ना वेल्थ रही ना हेल्थ रही। तो एक रिग्रेट मोड, एक आइसोलेशन मोड, एक डिप्रेशन मोड में है ये एनर्जी, जो भी है। अब आप देखिएगा ऑक्यूपेशन, काफ़ी या तो काफ़ी हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, जबकि मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं गुजर। एक होता है ना, इंसान डिफरेंस देखता है कि वाई ये जो सामने वाला है ये इतना खुश क्यों है, जबकि मेरे पास इतना सब कुछ है, और ये इतना लिमिटेड काम कर रहा है जिसका करने का मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता। यानी कि ये जो ऐसी तकब्बुर वाली फीलिंग आती है ना, आप जो काम करते हैं वो बहुत हम्बल काम है, ठीक है, ह्यूमैनिटी बेस्ड वर्क है। नो मैटर व्हाट, आप किसी वेलफेयर के लिए कोई सिलाई कढ़ाई करते हो, आप कोई लिटरली आप टेलरिंग करके जो है वो अपने ब्रेड अर्नर हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, बट बरकत है, खुशी है, सुकून है, एक चेहरे पर इत्मीनान है। और यहाँ जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है। तो इंसान जो है ना सोचता है कि यार कुछ भी था वो तो था, वो इंसान तो था, कुछ इस तरह की बात, ठीक है। तो हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई डू दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, में पता चल रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है, आपको लग रहा है कि हाँ आई एम फीलिंग दिस, और ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आजकल रेस्टलेस हूँ, मुझे ख्वाब आ रहा है, या आई एम जस्ट यू नो एकदम से किसी का ख्याल आ जाता है, डीपीज़ देखी तो आप परेशान हो गए, आजकल तो खैर व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों ने जो इंसान की खटिया खड़ी की हुई, लोगों को तो यही टेंशन होती है, मेरा स्टेटस देखा तो लाइक क्यों नहीं किया, ठीक है। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ। Embracing the future, simplifying your life. See, अभी मैंने कहा भी था कि इस इंसान के पास सब कुछ है बट सुकून नहीं, और आप बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं फिर भी आप खुश हैं, सुकून है चेहरे पे भी। इट मीन्स के ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। आप आगे बढ़ने वाली पर्सनैलिटी, आप आगे बढ़ते रहिए। मैं पता नहीं क्यों मुझे रोज़ाना ये बात कहनी पड़ती है कि जिसने जुड़ना होगा ना वो जुड़ जाएगा। तो कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं, कुछ लोगों को हर वक्त किल किल करना पसंद होता है और वो उसी में खुश रहते हैं। बट व्हाट यू शुड डू, मैं एक और आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ। लॉन्चिंग योर जर्नी, यस, आई एम एन इंटरप्रेट ट्रैवलर सेलिंग फॉर इन टू द यूनिवर्स। I think you are a person who is going to be famous worldwide very soon, because यहाँ हर दुनिया के लोग इस जगह मौजूद हैं। Maybe आप travel करेंगे। अगर आप travelling करने से डरते हैं तो मत डरिए, travel कीजिए। Simple life, happy life, अपने घर को detail सफाई कीजिए।
लग्जरीज जो आपको लगता है कि मेरी नीड्स को फुलफिल करती हैं, आई एम नॉट फॉर वॉन्ट्स, डू दैट, बिकॉज आपका सिंप्लिसिटी में रहना ही आपको लाइफ को प्लेजर देगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो इनका इंसान को खुश रखती हैं, आप मुझे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरियस पर्सन नहीं लग रहे, कीप योर सेल्फ सिंपल बिकॉज यही चीज़ आपको खूबसूरत बनाती है, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय।